हेलो एवरीवन, आप सबका नेहास टेस्टी रेसिपी के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेथी हरियाली सब्जी कैसे बनाते हैं। ये एक बहुत टेस्टी एंड इजी रेसिपी है। तो देखते हैं कि मेथी हरियाली सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। भुनी हुई मूंगफली, मेथी को हम अच्छे से वॉश करके इसको चॉप कर लेंगे। धनिया, तुर दाल, लहसुन, नमक स्वादानुसार, जीरा, हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे थोड़ा तवे पे भून लिया है। तेल, हल्दी, धनिया पाउडर एंड हींग। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कुकर में मेथी एंड तुर दाल को पका लेंगे। उसमें पानी डालना है। मैं यहाँ पे 3 कटोरी पानी यूज़ करूँगी। कुकर को अच्छे से बंद करके हमें उसको 4 सीटी देनी है। तब तक हम मसाला मिक्सर में ग्राइंड करके रेडी करते हैं। इसके लिए हम लेंगे पीनट्स, हरी मिर्च, जीरा, लहसुन एंड थोड़ा सा धनिया डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला ग्राइंड करके रेडी हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम गरम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, जीरा एंड ग्राइंड किया जो हमने मसाला है वो डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, इससे मसाला जल्दी पक जाता है। अभी हम इसमें डाल देंगे हल्दी, धना पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पकी हुई मेथी एंड तुर दाल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे और स्वादानुसार नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी मेथी हरियाली सब्जी तैयार है। आप इस सब्जी में नींबू डाल के भाकरी, रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हो। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।